हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता शेखावत। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बारिश का मौसम चल रहा है तो ऐसे मौसम में कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन होता है, जैसे हम पकोड़े वगैरह बनाकर खाते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अलग सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में टेस्टी तो होगी, ये हेल्दी भी बहुत होगी, क्योंकि हम इसको मूंग की दाल से बनाकर तैयार करेंगे। और इस तरह से रेसिपी बनाकर आप सफर में भी ले जा सकते हो और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो, क्योंकि दाल से बनी है तो वैसे भी बच्चों के लिए अच्छी रहेगी और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा चटपटी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसकी सामग्री की मात्रा मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम मूंग की दाल ली थी और दाल को हमने 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। दाल अच्छे से भीग गई थी, उसके बाद में इसको हमने 3-4 पानी से एकदम अच्छे से साफ धो लिया है। धोने के बाद में इसको हमने इस तरह से रखा है ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दाल एकदम अच्छे से फूल कर तैयार हुई है। अब दाल को हमें पीसना होगा, तो उससे पहले हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे, वो भी देख लेते हैं। 4 हरी मिर्ची और 10-12 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और साथ में हमने 2 आलू लिए हैं बॉईल किए हुए, इनका छिलका हमने निकाल दिया है। अब दाल को हमें पीसना है तो उसके लिए हम ग्राइंडर जार लेंगे और इसके अंदर हम इसमें से आधी दाल एक बार डाल लेंगे। आधी दाल को हम बाद में पीसेंगे। आधी दाल डालने के बाद में इसमें हम 2 हरी मिर्ची और लहसुन की कुछ कलियाँ डालेंगे और 1 आलू हम इसके अंदर डाल लेंगे और सभी को एक साथ में अच्छे से पीस लेंगे। इसके अंदर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। इसको हमें इसी तरीके से एकदम गाढ़ा पीस कर तैयार करना है, बाकी को हम दोबारा से पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी दाल जो है हमारी पीस कर तैयार कर ली है और इसी के अंदर हमने हरी मिर्ची और लहसुन आलू वगैरह डालकर सब पीस लिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह का दरदरा पीस कर तैयार हुआ है। अब इसमें हम बाकी की सामग्री मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 100 ग्राम रवा लिया है, ये बारीक वाला रवा है। आप सूजी को भी ग्राइंडर जार में चलाकर इसके अंदर मिक्स कर सकते हो, थोड़ा सा बारीक करना है। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद में ये हमारी जो सूजी है ये इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेगी और इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 50 ग्राम चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। इसको भी इसके अंदर डाल लेंगे तो इसकी लेयर जो है ऊपर वाली बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद में इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डाला है। इसके बाद में हम 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच इसमें हम अमचूर डालेंगे, तो इससे इसका टेस्ट बहुत टेंगी हो जाता है। साथ में डाल लेंगे चाट मसाला और 1 प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है और थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी ली है। इसको हम इसके अंदर मसल कर डालेंगे तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अब सभी चीज़ों को हम एकदम बढ़िया तरीके से हाथ से मिलाकर तैयार करेंगे। पहले आप अच्छे से हैंड वॉश कर लें, उसके बाद में आप इसको इस तरीके से मिलाते हुए इसका डो बनाकर तैयार करें। तो इसका डो जो है थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है और ये हाथों पर बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो इस पर बनाने के बाद में थोड़ा सा तेल लगाएं और डो को मसल कर थोड़ा सा बराबर कर लें। उसके बाद में इसकी अगली तैयारी के लिए हमने यहाँ पे एक ट्रे के अंदर थोड़ा सा तेल डालकर उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर हम हमारा गुथा हुआ डो रखेंगे और इसको एकदम अच्छे से इस तरीके से फैला लेंगे, एकदम बराबर बराबर। इसको फैलाने के बाद में हमें फ्रीज में रखना है लगभग 1/2 घंटे के लिए, तो ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा जमकर, फिर हम इसके स्लाइस कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 घंटे के बाद इसको फ्रीज से निकाल लिया है, ये अच्छे से जम गया है। अब इसके हम स्लाइस कट कर लेंगे। स्लाइस कट करने के बाद में इसको हमें सेलो फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लिया है और यहाँ पे गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है तेल को गरम होने के बाद में, और उसके बाद में हम नाश्ता पूरा इसके अंदर रख लेंगे एक बार में, जितने स्लाइस इसके अंदर आएंगे। और इसके अंदर हम थोड़ा सा गैप बना देंगे इस तरीके से, तो ये चारों तरफ से अच्छे से सीक जाएंगे। अब जब ये एक साइड से सीक जाएंगे तब हम इनकी साइड चेंज करेंगे और ऐसे ही साइड को पलटते हुए हम इसको एकदम अच्छे से सेक लेंगे, जब तक कि ये अंदर तक पूरे अच्छे से पक जाएं। गैस का फ्लेम यहाँ पे आप लो मीडियम रखें, इससे ज़्यादा इसका फ्लेम ना करें, क्योंकि ये दाल से बनी हुई है तो इसको सीकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया एकदम टेस्टी सा नाश्ता आपका बनकर तैयार होगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके अंदर एकदम बढ़िया सा कलर आ गया है और ये दोनों तरफ से एकदम अच्छे से सीक चुकी है। तो अब इसको हम इस तरीके से निकालेंगे जारे पे रखते हुए, ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई के अंदर चला जाए। वैसे इसके अंदर ज़्यादा तेल नहीं रहता है, एकदम ही कम तेल में सीख कर तैयार हो जाती हैं।
एक बार के बैच को सीखने में लगभग 6 से 7 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर हमने मूंग की दाल डाली है तो पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सारा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही बढ़िया एकदम ही टेस्टी था नाश्ता बना था। आप भी इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।